अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पहले आते हैं हम लोग एंटीरियर क्रेनियल फोसा पर, ठीक है। तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले एक जहाँ भी एम आए अपने ट्रिक में समझ जाना आपको कि मेनिंजियल, एम फॉर मेनिंजियल होगा, सही है। तो पहला जो आते हैं तो मेनिंजियल ब्रांचेज ऑफ एंटीरियर इथमॉइड, पोस्टीरियर इथमॉइड, ऑप्थाल्मिक आर्टरी, इन तीनों का मेनिंजियल ब्रांच सप्लाई करते हो। कैसे याद रहेगा तो आपको याद करना है ऐसे, देखिए कोई भी आदमी क्या करता है, एक थैला लेकर आता है, ठीक है। थैला लेकर आई कोई भी एक लेडी, थैला लेकर आई और बदले में कुछ पाई। कोई थैला लेकर आ रहा है, कुछ लेकर आएगा उसमें बेचने के लिए, तो बदले में उसको क्या मिलेगा, कुछ पाई मिलेगा, मतलब रुपया मिलेगा। तो इस लाइन को आपको याद रखना है, इस लाइन को ही आपको याद रखना है, थैला लेकर आई, थैला लेकर आई, बदले में कुछ पाई, पाई आई पाई, ठीक है, याद रखना आपको। देखिए थैला लेकर आई और बदले में कुछ पाई, आई पाई थैला। देखिए आई से क्या होगा, ए मतलब एंटीरियर इथमॉइड, फिर पी से क्या हो जाएगा, पाई से पी यानी कि पोस्टीरियर इथमॉइड, और थैला से ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ठीक है। तो इन तीनों आर्टरी का मेनिंजियल ब्रांचेज किसको सप्लाई करेगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। अब आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में, तो इसमें अपना ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ लिख दिया मैंने। जैसे मान लीजिए आपके मामा हैं, ठीक है, मामा क्या हुए, अभी गर्मी, अभी आम के दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो मामा आपको क्या करते हैं, आपके लिए घर से एक एक ही आम लेकर आते हैं टेस्ट कराने के लिए बस, ठीक है। एक मतलब एक को हम एक बोल रहे हैं, ठीक है, एक आम लेकर आते हैं आपको टेस्ट कराने के लिए। तो मामा एक आम लेकर आ रहे हैं आपको टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप, तो आपके मामा आए क्या लेकर आए, एक आम लेकर आए, या इसको ईख भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप जैसा भी आप ईख खाने वाला, ईख मामा आम और ईख लेकर आए, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं आप। तो मामा क्या होगा, एमएम, ठीक है, मोमो एमएम, तो ये हो गया। जहाँ भी एम आएगा यानी कि मेनिंजियल होगा, तो ये मेनिंजियल आर्टरी होगा। एक और एम आ रहा, डबल एम आ रहा है यानी कि वो मिडिल मेनिंजियल हो गया, ठीक है। फिर आम एम एम, तो ए एसेसरी, और एम आ रहा है यानी कि मेनिंजियल होगा, मैंने पहले ही बोला जब भी एम आएगा तो मेनिंजियल होगा, ठीक है। तो एसेसरी मेनिंजियल, फिर क्या होगा, इक आई सी, तो ये हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सही है। इक आई सी या इक भी बोलिएगा तो आई सी, ठीक है। तो मामा एम एम, मिडिल मेनिंजियल, इक आई सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और आम से ए एम एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, सही है। फिर आते हैं हम लोग पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का स्टोरी क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए रिजुदगिरी है मेरा दोस्त, ठीक है, वो उसको कोई कुछ आदमी पीट देते हैं, ठीक है। तो वो पहुंचता है रोते रोते अपने रूम में, तो अभिनय आनंद उससे पूछता है, अरे रिजु तुम वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट मतलब हाइएस्ट इवॉल्व एनिमल में है, फिर भी तुम पीट गया, ठीक है। तो क्या पूछता है, देखिए मैंने लिख दिया उसको, आप लेके बोलता, आप वर्टिब्रेट होकर पिट गए। अभिनय बोल रहा है किसको, रिजु को बोल रहा है, क्या आप वर्टिब्रेट होकर पिट गए किसी से, ठीक है, रिजु पिट गया है किसी से। तो देखिए तो आप से क्या हो जाएगा, ए पी यानी कि हो गया आपका एसेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है, ए पी आर्टरी मैंने रिलेट किया। फिर वर्टिब्रेट से वर्टिब्रल और पिट गए से ओसीपिटल, ठीक है, यहाँ से लेट करना है आपको। तो आप से एसेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रेट से वर्टिब्रल आर्टरी और पिट गए से ओसीपिटल आर्टरी। तो आप वर्टिब्रेट होकर भी पिट गए, मामा एक आम लेकर आए, और इधर क्या स्टोरी है अपना, इधर वाला कि थैला लेकर आई, आई और बदले में कुछ पाई। तो थैला लेकर आई बदले में कुछ पाई, मामा एक आम लेकर आए और आप वर्टिब्रेट होकर पिट गए। इससे आपको क्रेनियल फोसा।